हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि मेरे डिजर्ट ईगल गन से इतने ज्यादा हेडशॉट्स कैसे लगते हैं? नहीं, शॉटगन भी यूज करता हूँ तो इतने ज्यादा रेड नंबर्स ही लगते हैं, और जब भी यूएमपी गन पर ड्रैग हेडशॉट मारूं तो थोड़े से ड्रैग पर ही रेड नंबर्स लगते हैं। तो देखो, इसका कारण है कि मैं हेडशॉट मारने के लिए कुछ सीक्रेट सेटिंग्स, अपने स्पेशल सेंसिटिविटी का और सीक्रेट फायर बटन साइज एंड प्लेसमेंट का यूज करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि एटीट्यूड भाई कोई सेटिंग वेटिंग का यूज नहीं करते, वो तो हैक फाइल का यूज करते हैं, वो भी ऑटो हेडशॉट वाली। चले दूब। हम तो आपके सेटिंग का यूज करते हैं, लेकिन हमारे हेडशॉट क्यों नहीं लगते? मैं तो किसी भी सेटिंग का यूज कर लूं, बस बॉडी शॉट ही लगते हैं, रेड नंबर्स तो कहीं दिखता ही नहीं। अरे भाई, तुम तीनों थोड़ा सा साइड में आना। क्या आपका भी मानना है कि एटीट्यूड भाई हैक फाइल का यूज करते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आप भी हैकर बन जाओगे। तो इस वीडियो पर अपने सारे सीक्रेट सेटिंग्स को रिवील करूंगा, तो ध्यान से मेरे हर एक सेटिंग को देखना एंड इसका यूज करना। नंबर वन, सबसे पहले अपने गेम के सेटिंग पर जाओ। देन सेटिंग पर तुम्हें मिलेगा एक नेटवर्क का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने पर तुम्हें मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन, एंड सिंपली ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर लो। मगर क्यों? इससे जब भी तुम लोग अपने डेटा एंड अपने वाईफाई का यूज करके गेम को खेलोगे तो इससे तुम्हारे नेटवर्क की स्पीड काफी ज्यादा होगी और तुम्हें 999 प्लस की प्रॉब्लम भी काफी कम बारी देखने को मिलेगी। गेम के सेटिंग पर जाओ एंड यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करो। डिस्प्ले पर सबसे नीचे पर आने पर तुम्हें मिलता है गन शॉट अलर्ट, इस सेटिंग को सिंपली ऑन कर लो। ये तुम्हें शॉर्ट रेंज के फाइट पर काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इससे जब भी बंदा ग्लूवॉल से बाहर निकलेगा तो हमें ग्लूवॉल के आर पार इस तरह का मार्क देख सकेंगे और बंदे के निकलते ही हम लोग फायरिंग करके उसे मार सकते हैं। और अगर बात करें ग्राफिक सेटिंग्स की, तो मैं रखता हूँ इसको अल्ट्रा पर। फिर आता है हाई रेजुलेशन, जिसको मैं रखता हूँ नॉर्मल पे, और ज्यादातर टाइम अपने शैडो को मैं ऑफ करके ही रखता हूँ, एंड अपने फिल्टर को रखता हूँ मैं क्लासिक पे, एंड अपने हाई FPS को रखता हूँ हाई पे। तो अब देखते हैं मेरे कस्टम HUD को। तो आप लोग मेरे कस्टम HUD के सारे बटन्स को अच्छे से देख लो। मेरा कस्टम HUD एक 3 फिंगर का कस्टम HUD है, एंड इस कस्टम HUD पर मैं 4 साल से गेम प्ले कर रहा हूँ। तो फायर बटन साइज को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंपली अपने गेम के सेटिंग पर जाकर वाइब्रेशन वाले सेटिंग पर क्लिक करो। इसमें वेपन वाइब्रेशन वाले सेटिंग को ऑन करने पर जब भी तुम लोग फायरिंग करो तो तुम्हारा मोबाइल वाइब्रेट करेगा, यानी कि गन के हिसाब से हिलने लगेगा, और इसीलिए नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 वाले सेटिंग को ऑफ करके रखना। लेकिन व्हीकल वाइब्रेशन एंड इसके नीचे चारों सेटिंग्स को हमेशा ऑन करके ही रखना। सो अब बात करते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग की। इसको सही से रखने पर जब भी तुम लोग गेमिंग करो या फिर लॉबी पर रहो तो तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब कर नहीं सकता। सिंपली मेरे जैसा इन सारे सेटिंग्स को तुम्हें कॉपी करना। तो अब से वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना। बात करते हैं कंट्रोल सेटिंग्स की, जिसमें कुछ ऐसे सेटिंग्स भी है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इतने सारे सेटिंग्स में से कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को आपको बताऊंगा। नंबर 1 पे आता है टीममेट इन्फो। इसको तुम लोग ट्रांसलूसेंट पर करके रखना, जिससे जब तुम्हारा टीममेट तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम्हारे टीममेट का नाम ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि उसके आर पार तुम लोग देख सकोगे। फिर आता है डैमेज इंडिकेटर। मैं अपने डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक पर रखता हूँ। इसको क्लासिक पर रखने पर जब भी हम लोग UMP से हेडशॉट मारते हैं तो पहले से काफी ज्यादा रेड नंबर हमें दिखाई देती है। इसके बाद आता है क्रॉस हेयर टाइप। इसको क्लासिक पर रखने पर हमारा क्रॉस हेयर पुराने जैसा दिखाई देगा, लेकिन इसको न्यू करने पर हमारा क्रॉस हेयर पूरा राउंड शेप का बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आइटम फाइंडर। सिंपली आइटम फाइंडर को तुम लोग रिकमेंडेड टाइम पर कर लेना, जिससे जब भी हम लोग मैच खेले तो हमें दूर से ही कुछ आइटम शो होगी और ये तुम्हें लूट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद सिंपली तुम्हें BR स्कोर बोर्ड को ऑन करना। बेसिकली BR स्कोर बोर्ड को ऑन करने पर हम जब भी BR रैंक मैच खेले तो हम लोग अपने टीममेट्स के कुछ गन्स या फिर कैरेक्टर स्किल को देख सकेंगे। और बाकी बचे सारे सेटिंग्स को भी ध्यान से देखो। चाहो तो मेरे सारे सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हो। तो अब जानते हैं मेरा फायर बटन का एक्चुअल साइज कितना है। बेसिकली मैं अपने फायर बटन साइज को 2 अलग अलग तरीकों से चेंज करता हूँ, यानी कि जब भी मैं डिजर्ट ईगल, UMP या फिर किसी भी शॉटगन का यूज करूँ तो इन सारे गन्स के लिए मैं अपने फायर बटन के साइज को 47% या 48% पर रखूंगा। अच्छा,
लेकिन जैसे ही AWM या फिर किसी भी स्नाइपर का यूज करना हो तो स्नाइपर का यूज करने से पहले अपने फायर बटन साइज को 53% पर करूंगा। और मैंने अपने फायर बटन को इस तरह से रखा है जिससे प्लेसमेंट भी काफी परफेक्ट और इन सब कारणों से मेरा हेडशॉट काफी अच्छे से लगते हैं। गेम के सेटिंग पर हमें मिलता है एक ऑटो पिकअप का ऑप्शन। ऑटो पिकअप के हर एक सेटिंग को तुम्हें सेम टू सेम ही रखना, बस तुम लोग इतना सा ध्यान रखना कि अटैचमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट एंड इवेंट आइटम वाले सेटिंग्स को हमेशा से ऑन ही रखना और ध्यान से ऑटो पिकअप स्पीड को तुम्हें फास्ट पर कर लेना है। ओके। तो अब जानते हैं मेरा सीक्रेट सेंसिटिविटी। देखो, हर न्यू अपडेट के बाद हमारा सेंसिटिविटी चेंज होती है, तो हर अपडेट के बाद मैं फायर बटन साइज एंड न्यू सेंसिटिविटी बताता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सेंसिटिविटी पर अपने जनरल सेंसिटिविटी को मैं रखता हूँ 99%। रेड डॉट है 100, 2x स्कोप की सेंसिटिविटी है 98% और 4x स्कोप की सेंसिटिविटी है 100%। इसी तरह से स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी है 97% और फ्री लुक है 71%। और गिल्ड टेस्ट देने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिलेगी।